أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت اللهم خذ بيدك। फिर बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इस चैप्टर का नाम जिसे हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 के नाम से जान रहे हैं और इसमें हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, उसकी कंपोजिशन, उसकी लेयर्स की कंपोजिशन, उनकी डेफिनेशन, उनकी रेंज क्या है, उनकी हाइट्स क्या है, उनका टेम्परेचर क्या है, उनमें टेम्परेचर वेरिएशंस कैसे आ रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनको डिस्कस करने के बाद फिर हमने एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करना शुरू किया। पहले पोल्यूटेंट को डिफाइन किया, पोल्यूशन को डिफाइन किया और देखा कि हमारी एयर के जो पोल्यूटेंट्स हैं, 7 पोल्यूटेंट्स हैं एयर के अंदर, उनको हमने डिस्कस करना शुरू किया। तो अब हम आज दूसरा पोल्यूटेंट जो एयर का, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अब हम देखेंगे कि इसकी क्या-क्या असरात हैं। चले शुरू करते हैं जी। कार्बन मोनोऑक्साइड जी, व्हेन वी बर्न द पीस ऑफ वुड और एनी अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, मेनली 2 टाइप्स ऑफ गैसेस जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है आर प्रोड्यूस्ड। और मैंने आपको एक बात कही थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड तब पैदा होती है जब कार्बन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, याद आया। और मैंने ये भी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तब पैदा होती है जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन रिएक्ट करती है, ये भूल गए हो। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, याद आया। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तब बनती है जब कंप्लीट कंबस्शन होती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? तो बेटा 2 तरह की गैसेस बनती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस, ये जहरीली गैस है। इट को अब बता देना कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब बनती है, ये और इक्वेशंस में भी लिखा हुआ है और आपने भी लिख देना, ठीक है। CO इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO2 इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे भी कह सकते हो। एंड हाउ दे आर फॉर्म, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड कार्बन बर्न्स इन इट, ठीक है। व्हेन कार्बन बर्न्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज दिस सॉर्ट ऑफ कंबस्शन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबस्शन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड when carbon burns in the excess of oxygen and this is called the complete combustion, okay. So carbon monoxide is a poisonous gas, it causes headache. अब ये इसके असरात हैं। जहरीली गैस है, ये सर दर्द पैदा करती है, सुस्ती पैदा करती है। When inhaled for a long time it may cause death. अगर इसको ज्यादा देर के लिए इसके अंदर सांस लिया जाए तो ये फिर क्या कर देती है, ये इससे मौत वाकई हो जाती है। अब मौत क्यों वाकई होती है बच्चे, आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं, सुन रहे हो। हेमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट है आयरन। आयरन जो हेमोग्लोबिन में मौजूद है वो आमतौर पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और ये ऑक्सीजन जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ये आपके बॉडी सेल्स में जाके आपके बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार्बन, इसको देखें कार्बोनल ग्रुप याद है या भूल गए हो, सी डबल बॉन्ड ओ, ये 2 बॉन्ड अभी इसके खाली हैं। आयरन इन दोनों बॉन्ड्स की जगह पे आके लग जाता है और आयरन कार्बोनाइल बनाता है। अब आयरन जिसमें जहां पे पहले क्या लगती थी ऑक्सीजन, अब क्या लगे कार्बन मोनोऑक्साइड लग गई। आयरन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी और एबिलिटी जो है वही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब आयरन या हेमोग्लोबिन इस काबिल नहीं रहता कि वो मजीद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे और बॉडी सेल्स तक पहुंचाए। इसके नतीजे में आपके बॉडी सेल्स तक जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंचती और बंदे की डेथ वाकई हो जाती है। मसला
इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, ये हवा का आलूदा कार नहीं है। रादर प्लांट्स कंज्यूम CO2, पौधे CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं इन फोटोसिंथेसिस, किसमें, एंड प्रोड्यूस O2 और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट पॉइजनस, ये भी याद रखना, इट इज ऑल्सो नॉट, ये जहरीली भी नहीं है, पोल्यूटेंट भी नहीं है, पौधे यूज करते हैं। बट हाउ एवर इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन ये जो आपकी आलमी हिद्दत है या आलमी गर्मी है, ये वो प्रोड्यूस कर रही है, ये पूरी दुनिया को गर्म कर रही है, और उसके नतीजे में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से क्या हो रहा है, सैलाब आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, समझ आया नहीं यार। तो ये ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही है, क्योंकि इसकी मकदार एक हाथ से बढ़ गई है, ठीक है। तो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह होती है। नेक्स्ट चीज, तीसरा पोल्यूटेंट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिन्हें हम नॉक्स के नाम से याद करते हैं। पहले अगर X1 हो तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है, और अगर X2 हो जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। तो द इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट कॉज एयर पोल्यूशन आर नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम। कलेक्टिवली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉक्स, NOx। नाइट्रिक ऑक्साइड इज कलरलेस, कौन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, ऑडरलेस गैस, सुन रहे हो, इट इज हैवियर देन एयर, या हवा से वजनी होती है, एंड स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और पानी में बहुत हल्की सी हाल होती है। नाइट्रोजन डाई, इसकी दो प्रॉपर्टीज बता दी, ठीक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन गैस विद अ पंजेंट ऑडर, इसकी बड़ी तेज चुभने वाली बू होती है। इट डिसॉल्व्स रेडियली इन वाटर, ये पानी में बहुत जल्दी हाल हो जाती है, बहुत। अब पानी में हाल क्यों होती है ये भी सुन लो, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना NO2 वाटर किस फॉर्म में होता है, जो OH मिले हुए, ये इसके दो मॉलिक्यूल, एक H से मिलता है और क्या बन जाता है, HNO2, इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड, और दूसरा किससे मिल जाता है, HNO3, एक इसमें भी दो है ना, ये नाइट्रिक एसिड। हवा में जब ये गैस वाटर से मिलती है तो ये दो तेजाब बनते हैं, और तेजाबी बारिश का बायस बनती हैं ये दोनों गैसें, एसिड रेन कॉज करती हैं। तो बोथ दीज ऑक्साइड्स आर हाईली टॉक्सिक गैसेस, डैमेजेस लंग्स, क्या करती हैं ये दोनों गैसेस जो है, ये दोनों ऑक्साइड्स जो है, ये बहुत ही जहरीले होते हैं, ये आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, कॉज हेड एक, सर में दर्द होता है, एंड कॉज कफ, इससे खांसी लग जाती है। मसला है तो पूछो, नहीं है। मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, नेचुरल गैस, जिसको चूल्हे में जलाते हो आप लोग, जिसे सुई गैस के नाम से हमारे मुल्क में जाना जाता है। तो मीथेन इज प्रोड्यूस व्हेन द डेड प्लांट्स प्लांट मटेरियल्स डिके इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्या हो रहा है, पौधे या जानवर जो मर जाते हैं और जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो जमीन के नीचे दब जाने के बाद उनके साथ ऑक्सीजन तो रिएक्ट नहीं कर सकती, तो अब आपकी गैर मौजूदगी में जब वो गलते सड़ते हैं ना, तो उसके नतीजे में कौन सी गैस पैदा होती है, मीथेन गैस पैदा होती है। इसका सोर्स बता दिया उन्होंने, इट इज रिलीज इन द एयर फ्रॉम द मार्शेस। कभी आप देखे दलदली इलाकों में जाकर, तो वहां पानी के अंदर से बुलबुले निकल रहे होते हैं, वो क्या होता है कि दलदल के नीचे कुछ जानवर मुर्दा, कुछ पौधे मुर्दा डब्बे हुए होते हैं, और वो हवा की गैर मौजूदगी में क्या कर रहे होते हैं, गल सड़ रहे होते हैं, और उनके गलने सड़ने के नतीजे में क्या पैदा हो रही होती है, मीथेन और बुलबुलों की शक्ल में ऊपर आ रही होती है। तो इट इज रिलीज इन द एयर फ्रॉम द मार्शेस स्वैम्प्स, ये गंदे पानी के जोड़, एंड राइस पैडी फील्ड्स, ये जो चावलों की खेत नहीं होते उनमें पानी खड़ा होता है, तो उसके नतीजे में ये पैदा होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एयर, मीथेन फॉर्म्स इरिटेटिंग एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स। जी जरा बताए ना, वो कौन सा रिएक्शन है जो मीथेन करती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन था जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन आपने कहा, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स याद करें, दो रिएक्शन पढ़ाए थे, एक ये कंबस्टन रिएक्शन देते हैं, उसकी भी दो टाइप है, कंप्लीट कंबस्टन और इनकम्प्लीट कंबस्टन, और जो पहला रिएक्शन पढ़ाया था रिएक्शन विद
बोलो बोलो हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन था, एक था डायरेक्ट सनलाइट में और एक था डिफ्यूज्ड सनलाइट में, मध्यम रोशनी। क्लोरीनेशन की थी मीथेन की, एक क्लोरीन रिमूव हुआ था, एक HCl बना था, याद आया? क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन बनाई थी। और डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है, डायरेक्ट कार्बन बनेगी और साथ चार HCl बनेंगे। ये रिएक्शन मैं करवा चुका हूं। उस रिएक्शन के जरिए से क्या होता है, इन एयर मीथेन क्या करती है, फॉर्म्स इरिटेटिंग, क्या चुभन पैदा करने वाली एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स और जहरीले मरकबा बनाती। मीथेन इज एक्सीलेंट हीट एब्जॉर्बर, सुन लो, ये बहुत ही अच्छा किस्म का हीट एब्जॉर्बर है, हीट को बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती है।